हेलो स्टूडेंट, राम राजी इंटर कॉलेज नारायण हितपुर हीरापुर टंडा अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो कक्षा नौ भूगोल, इससे पहले वीडियो में कक्षा नौ के भूगोल के बारे में हम एक अपवाह तंत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि भारत की जो नदियाँ हैं, नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे तो वो नदियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि झील के बारे में, इसी अपवाद तंत्र का एक टॉपिक आपका आता है झील। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि झील किसे कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह से गर्त वाले हिस्से, पृथ्वी की सतह जो होती है उसके गर्त वाले हिस्से में जहाँ जल एकत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। पृथ्वी की सतह से गर्त वाले हिस्से में जहाँ जल एकत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। एक बार फिर से इस परिभाषा को देखते हैं हम कि झील किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह से गर्त वाले हिस्से में जहाँ जल एकत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में झील के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में किस प्रकार की झीलें, कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? तो भारत में जो झीलें पाई जाती हैं वो निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझते हैं निम्न झीलें पाई जाती हैं कह सकते हैं। पहला हमने दिया है आपको गोहपुर झील, दूसरा हमने बताया आपको लैगून झील, तीसरा लिखा गया है मौसमी झील, चौथा मीठे पानी का झील और पाँचवा मानव निर्मित झील। कौन सा? मानव निर्मित झील। तो हमने परिभाषा देखा और भारत में झील के बारे में देखा। अब गोखुर झील, जैसे कि आप लोग बिहार में ही रहते हो, गोखुर झील से स्पष्ट है विस्तृत आकार वाली नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काट कर, ठीक है, विस्तृत आकार वाली, कौन सी विस्तृत के बारे में हम बता चुके हैं, बार बार यही टॉपिक नहीं चलेगा, विस्तृत आकार वाली जो नदी होती है जहाँ पर बाढ़ का क्षेत्र आता है उस हिस्से को क्या करती है? काट देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। वो किस प्रकार का हो जाता है? गाय के खुर के आकार का हो जाता है, गाय के पैर के, पैर में जो खुर होता है उसी आकार का हो जाता है, उसी को हम कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील। गाय के खुर के बारे में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह की होती है। तो इसी तरह कि जैसे विसर्प आकार वाली जो नदी होती है, अगर मान लीजिए कि नदी का बहाव है, बहाव इस तरह से ये बहती हुई जा रही है, ठीक है, इस तरह से नदी का जल जो है ऐसे ऐसे बहता हुआ जा रहा है, तो जहाँ पर बाढ़ आकार वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये क्या होते हैं? ये इस तरह से कुछ आगे बढ़ जाते हैं, फिर पुनः ऐसे हो जाते हैं। तो यही क्या होता है? गोखुर झील होता है। कैसा झील होता है? गोखुर झील होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। अगला आपका आता है लैगून झील। अगला क्या आपका आता है? लैगून झील। स्टिक तथा रोधिका द्वारा लैगून का निर्माण होता है। स्टिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धरती के कुछ हिस्सों में समुद्र में चला जाता है, जैसे चिल्का झील है, ठीक है। स्टिक के द्वारा कौन? स्पिट है जी, स्पिट और रोधिका के द्वारा। किसके द्वारा? रोधिका के द्वारा। ये क्या होते हैं कि जब बाढ़ आते हैं नदियों के क्षेत्र में तो इसके कुछ हिस्से समुद्रों में चले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। वो क्या होता है? लैगून झील होता है जिससे धरती का कुछ हिस्सा समुद्र में चला जाता है। स्पिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धरती का कुछ हिस्सा कहाँ पर चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। स्पिट तथा बार या रोधिका द्वारा किससे निर्माण होता है? स्पिट व रोधिका द्वारा लैगून झील का निर्माण। याद रखिएगा कि लैगून झील का निर्माण किससे होता है?
स्पिट व रोधिका द्वारा होता है। स्पिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कुछ हिस्सा गुहा का भूपर्पटी का कुछ हिस्सा समुद्रों में चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। अगला मौसमी झील, मौसमी झील के बारे में कुछ बताना ही नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो। मौसमी झील जो है, ये मौसमी झील कभी कभी आप देखते हैं कि मौसम, जैसे बरसात का मौसम आ गया, बरसात का मौसम वर्तमान समय में चल ही रहा है, आप लोगों के घर पानी बरस रहा होगा, तो देखिए बरसात मौसम के अनुसार जब कहीं पर जल एकत्रित हो जाए और वह जल काफी लंबे समय तक बना रहे तो वही मौसमी झील कहलाता है वह जल। लेकिन पृथ्वी की गर्त में परिभाषा भी आपने देखा, ऐसा नहीं है कि खेत में जल एकत्रित हो जाए तो वह झील कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा झील, क्योंकि भूपर्पटी इस पृथ्वी के समतल गर्त पर, कहां पर, पृथ्वी के समतल गर्त पर जब मौसम के अनुसार जल एकत्रित हो जाए उसे क्या कहते हैं, मौसमी झील कहते हैं। जैसे अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, अंतर्देशीय भागों वाली झीलें जैसे राजस्थान का सांभर झील इसका उदाहरण है। यह एक लवणीय जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। तो अंतर्देशीय भागों वाली जो झीलें होती हैं वो कैसी झीलें होती हैं, लैगून झील, मौसमी झील होती हैं। कैसी झीलें होती हैं, मौसमी झीलें होती हैं, जैसे राजस्थान का सांभर झील, जैसे क्या है, राजस्थान का सांभर झील एक क्या है, लवणीय झील है। कैसी झील है, एक कौन सा, सांभर झील, सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है, इसको समझ जाइएगा, ये सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। यह कैसा झील है, लवणीय झील है, इससे क्या बनाया जाता है, नमक, आयोडीन, इससे नमक बनाया जाता है। तो ये राजस्थान का सांभर झील जो है ये कैसा झील है, मौसमी झील है। अगला बिंदु हम देखते हैं कि मीठे पानी का झील, मीठे पानी के झील अधिकांश जो झील होते हैं ये हिमालय के क्षेत्रों से निकलते हैं। मीठे पानी के जो झील हैं ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ का जल जो है इसमें प्रवेश करता रहता है। मीठे पानी यानी कि ये ताज़ा पानी, मीठे पानी का मतलब नहीं कि उसमें गुड़ डाल दिए, चीनी डाल दिए और मिठाई डाल दिए तो मीठा हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मीठे पानी के झील में, मीठे पानी के झील में जो जल हमेशा बदलता है, बदलने का आशय क्या है कि ताज़ा जल, जैसे हम भूगर्भ से जल निकालते हैं तो हम ताज़ा जल को अपने पीने के लिए प्रयोग करते हैं, ये थोड़ी है कि वो उसमें चीनी मिला लेंगे, तो वो नहीं। मीठे पानी का आशय ताजे पानी का जो झील होता है ये अक्सर हिमालयी क्षेत्रों में होता है। कहाँ पर होता है, हिमालयी क्षेत्रों में होता है मीठे पानी का झील होता है, इसे मीठे पानी का झील कहते हैं, ठीक है। अगला मानव निर्मित झील, अगला और लास्ट आपका है मानव निर्मित झील। देखिए मीठे पानी के झील में डल झील आपकी है, डल झील आपकी है, भीमताल है, लोकटक है, ये सब झीलें क्या है, मीठे पानी की झील है। अगला आपका आता है मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील जो मनुष्यों द्वारा निर्माण किया जाता है वही मानव निर्मित झील कहलाता है। जैसे जिन झील का निर्माण मनुष्य स्वयं करते हैं अपनी सुविधा के लिए, जैसे सिंचाई के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए, यानी कि उन्होंने जल के उद्योगों में जल की आवश्यकता हुई तो उसके लिए झील का निर्माण करते हैं तो वो मानव निर्मित झील कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने भारत में झीलों के बारे में देखा और झील की परिभाषा को हमने देखा कि पृथ्वी की सतह से गर्त वाले हिस्से, पृथ्वी की सतह से गर्त वाले हिस्से में जहाँ जल एकत्रित होता है उसे क्या कहते हैं, झील कहते हैं भैया, झील कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, झील कहते हैं। जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत में झील, भारत में झील के प्रकार, हमने गोखुर झील हमने पहले ही बता दिया, ये शब्द स्पष्ट है, गोखुर गाय के खुर के आकार का वही गोखुर झील होता है, यानी कि विसर्प वाली जो नदियाँ होती हैं जो बाढ़ वाले क्षेत्रों में गोखुर झील का निर्माण कर देती हैं। लैगून झील के बारे में बताया कि इसका निर्माण स्पिट और
रोधिका से होता है, ये लक्ष्मी झील का नियम। अगर मौसमी झील के बारे में हमने बताया कि मौसमी झील विशेष परिस्थिति अंतरदेशीय भागों में ये होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हमने बताया सांभर झील कहाँ पर, राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो ये क्या है, ये कैसा जल, आयोडीन युक्त जल है, लेकिन खारा झील है, खारे पानी का जल है, इससे नमक बनाया जाता है। अगला हम देखते हैं मीठे पानी का झील। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अरे गुरुजी पढ़ाओ दे मीठे पानी का झील, अब गुड़ नाइक दे देंगे झील। नहीं, ऐसा नहीं है। मीठे पानी के झील का आशय क्या है कि ताजे पानी का झील होता है, ठीक है। अगला मानव निर्मित झील, वही झील जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं, वही मानव निर्मित झील के अंतर्गत आते हैं।